हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरजे नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं 5000 स्पेशल नर्सिंग क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 5 के बारे में। आज बात करेंगे जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस है, ओके, जिसमें से एक या दो क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, इन्हीं को रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इज, तो मीजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। अब मीजल्स क्या है? मीजल्स एक रेस्पायरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, ओके, रेस्पायरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। इसलिए इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन है इसके द्वारा मीजल्स का ट्रांसमिशन होता है, ओके। डायरेक्ट भी नहीं होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड से नहीं होता है, कंटामिनेटेड लिनन से भी नहीं होता है, ओके, क्योंकि मीजल्स रेस्पायरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। अब मीजल्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मीजल्स में क्या होता है? एक कोप्लिक स्पॉट, ओके, कोप्लिक स्पॉट जो साइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, और हर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए चाइल्ड ऑफ 10 ईयर ओल्ड इज टू रिसीव 400 सीसी ऑफ आईवी फ्लूइड्स 8 आवर शिफ्ट, ओके, द आईवी ड्रिप फैक्टर इज 60, द आईवी रेट विल बी डिलीवर इन दिस अमाउंट इज, तो एक 10 ईयर का बच्चा है उसको 400 सीसी आईवी फ्लूइड 8 आवर्स में पर शिफ्ट में चढ़ाना है, 8 आवर्स में, ओके, और इसका ड्रॉ फैक्टर दिया गया 60। तो इसको निकालने के लिए अपने को जो फॉर्मूला उसमें रखना पड़ेगा, इसको 400 अपॉन 8 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया जाता है इसमें इंटू 60 ड्रॉ फैक्टर, ओके। तो 60 से 60 को काट दिया जाता है और 8 से 400 को अगर काटे तो ये आता है 450 सीसी पर हावर्स, ओके, तो राइट आंसर हो गया ए, 50 सीसी पर हावर्स, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी सीन इन एडिसन्स डिजीज इज, तो जो एडिसन्स डिजीज है इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट का एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। तो ऑप्शन है हाइपरकेलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज हाइपोकेलेमिया। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ओके, क्योंकि जो एडिसन्स डिजीज है इसमें हाइपरकेलेमिया भी देखने को मिलता है और हाइपोनेट्रेमिया भी देखने को मिलता है, ओके, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेस्पायरेटरी ड्राइव इन COPD पेशेंट इज, तो COPD जो पेशेंट है उसका रेस्पायरेटरी ड्राइव की अगर बात करें तो उसमें क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन है 4, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, PO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, ओके। COPD पेशेंट के अंदर अगर रेस्पायरेटरी ड्राइव की बात करें तो ऑक्सीजन इसके अंदर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वारफेरिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विथ, तो वारफेरिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन है फाइटोनेडियोन, ओके, प्रोटामिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस, ओके। तो नॉर्मली जो अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के लिए बात करें तो इसमें विटामिन के इसका एंटीडोट होता है, ओके, वारफेरिन टॉक्सिसिटी का, बट इसमें विटामिन डी नाम नहीं दिया गया है। तो इसके अंदर अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर है फाइटोनाडियोन, ओके, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इधर गया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर्स। सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और यूजफुल भी होता है? एक्सरे, ईईजी, ईसीजी एंड यूएसजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईईजी। अब ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। ओके, ईसीजी की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यूएसजी की अल्ट्रासाउंड ग्राफी। ओके, तो राइट आंसर हो गया इसका ईईजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज। तो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है? तो ऑप्शन के आधार पर अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 12 to 22 mm ऑफ HG। ओके, ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ स्पान ऑफ फीटल RBC इज। तो फीटल RBC की लाइफ स्पान क्या होती है? 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज और 120 डेज। ओके, तो नॉर्मल अगर एडल्ट के आरबीसी की बात करें तो इसमें होता है 120 डेज। ओके, 120 डेज नॉर्मल आरबीसी होती है एडल्ट की लाइफ स्पान, और अगर फीटल की बात करें, लाइफ स्पान ऑफ अ फीटल आरबीसी, ओके, तो 90 डेज इसका राइट आंसर है। ओके, 90 डेज। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए नैरो कफ इज यूज फॉर मेजरमेंट बीपी देन व्हाट विल बी द आउटकम्स। यदि बीपी मेजरमेंट के लिए आपने नैरो कफ यूज किया है तो उसके लिए आपको क्या आउटकम मिलेगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है। ओके, एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन। ओके, फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन। नेक्स्ट इज नो रीडिंग फाइंडिंग एंड बीपी कांट मेजर। तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर है इसमें फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन। ओके, इसमें फॉल्सली हाई रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसमें अलग अलग कौन सी एबनॉर्मलिटी पाई जाती हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जो एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ओके, बीपी की अदर एबनॉर्मलिटीज, जो एरर कौन कौन से देखने को मिलते हैं बीपी के अंदर, फर्स्ट देखते हैं। ओके, टोटल 5 एरर है इसके अंदर, तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब फर्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो एरर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, एरर ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। ओके, प्रोसीजर्स के दौरान कौन कौन से एरर हो सकते हैं? यदि नैरो एंड टाइट बीपी कफ हो। ओके, बीपी कफ यदि नैरो या टाइट हो तो कौन सी रीडिंग होती है? फॉल्स एंड हाई बीपी। ओके, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, लूज अगर बीपी कफ है तो कौन सी रीडिंग देखने को मिलेगी? फॉल्स एंड हाई बीपी। ओके, फॉल्स एंड हाई बीपी। नेक्स्ट है वाइड, अगर बीपी कफ है, चौड़ा बीपी कफ है, तो कैसी रीडिंग देखने को मिलेगी? फॉल्स एंड लो बीपी। ओके, तीन प्रकार के एरर इस प्रकार के हो गए हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं इसमें, 4 नंबर का जो एरर है वो है आर्म रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। यदि जो बीपी कप अपन चेक कर रहे हैं और लेवल ऑफ द हार्ट से ऊपर है आर्म, तो कौन सी रीडिंग देखने को मिलेगी? फॉल्स एंड लो बीपी। ओके, जो क्वेश्चंस एम्स जोधपुर के अंदर जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया है, और ये भी नेक्स्ट आर्म बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट, ये होता फॉल्स एंड हाई बीपी। ओके, तो इस प्रकार के इसमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो अपने को इसका पूरा ध्यान रखना है, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चंस एम्स जोधपुर के अंदर पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट के अंदर। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज नोन एज। यदि जो स्टूल है उसके अंदर फ्रेश ब्लड अपने को दिखता है तो उसका क्या मीन्स है, उसको क्या बोला जाता है? हिमेटोचेजिया, मेलेना, हिमोप्टाइसिस या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हिमेटोचेजिया। ओके,
फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज नोन एज हिमेटोचेजिया। मेलेना क्या होता है? ब्लड इन द स्टूल, यदि ओनली ब्लड आ रहा है वो पुराना भी हो सकता है, ओके, तो उसके अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं मेलेना। हीमोप्टाइसिस क्या होता है? ब्लड इन द स्पूटम, यदि स्पूटम में ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हीमोप्टाइसिस, ओके। तो इसका राइट आंसर हो गया हिमेटोचेजिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्नो स्टॉर्म एप्रियंस इन यूएस सीन इन, यदि स्नो स्टॉर्म एप्रियंस मतलब अंगूर के गुच्छे के समान आपको ये स्नो स्टॉर्म एप्रियंस है, मतलब क्या होता है इसका स्नो स्टॉर्म एप्रियंस, जो बर्फ की बूंदे हैं ओस की, उस समान अगर अपने को इसमें यूएसजी में दिखाई देता है तो उसको क्या बोला जाता है? कोरियोनो कार्सिनोमा आइडेंटी फॉर मॉल पी सी ओ डी एंड ब्लाइलेटेड ओवम, ओके। तो इसका राइट आंसर हो गया हाइडेटिक फॉर्म मॉल, ओके। स्नो स्टॉर्म एप्रियंस इन यूएसजी इज नोन एज हाइडेटिक फॉर्म मॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ केस ऑफ डेंगू फीवर यूजुअली इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन, यदि एंड ऑफ द रेनी सीजन्स डेंगू के केस है वो इंक्रीज हो गए हैं, तो दिस पैटर्न ऑफ अक्रेंस डेंगू फीवर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो इस प्रकार के पैटर्न को डेंगू के जो फीवर है इसको बेस्ट डिस्क्राइब किस प्रकार से कर सकते हैं? तो ऑप्शन है इपिडेमिक अक्रेंस, ओके, साइक्लिकल वेरिएशन, स्पोरेडिक अक्रेंस एंड सेकुलर अक्रेंस। तो इसका राइट आंसर है साइक्लिक वेरिएशन, ओके, क्योंकि इसमें ओनली जो इंक्रीज जो सीजन है उसके अंदर ही डेंगू के केस इंक्रीज हुए, ओके, इसको इसलिए साइक्लिकल वेरिएशंस के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, है पर्सिक्यूएटरी डिल्यूजन इज कॉमन इन, तो पर्सिक्यूएटरी डिल्यूजन किसके अंदर कॉमनली देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, बी पी ए डी एंड ओ सी डी, ओके। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन न्यूबॉर्न इन्फेंट इज, तो न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर वाइटल साइंस चेक करने की जो सीक्वेंस है वो क्या होती है? टी पी आर, पी आर टी, आर पी टी एंड आर टी पी। तो इसका है राइट आंसर्स की अगर बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी आर पी टी, ओके, रेस्पायरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। और अगर यह चाइल्ड के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी न्यूबॉर्न के अंदर है, नेक्स्ट बात करते हैं एडल्ट के बारे में, तो एडल्ट में होता है टी पी आर, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पायरेशन, ओके। तो ये होता है एडल्ट का और ये वाला होता है न्यूबॉर्न या चाइल्ड का, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वन अवेयरनेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, रिग्रेशन एंड सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिप्रेशन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज बाय, तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर जो चाइल्ड है उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होती है न्यूबॉर्न की? तो 40%, 50%, 60% एंड 75%। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 50%, ओके। तो इसका लेंथ का एक जो ट्रिक है वो है, अगर बात करें तो 1 ईयर, 4 ईयर एंड 30 ईयर। 1 ईयर पे 50% इंक्रीज होती है, ओके, और 4 ईयर के अंदर होती है डबल हो जाती है एट द बर्थ की, ओके, और 13 ईयर के अंदर होती है ट्रिपल एट द बर्थ की, ओके। तो ये आपको याद रखना लेंथ के लिए, 1, 4, 13, 1 ईयर पे 50% इंक्रीज, 4 ईयर पे डबल और 13 ईयर पे ट्रिपल इसकी हाइट लेंथ हो जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन चाइल्ड इज, तो चाइल्ड के अंदर जो फर्स्ट अपीयरिंग टीथ है वो कौन सा होता है, प्रीमोलर, लोअर इंसाइजर, अपर इंसाइजर एंड कैनाइन। ओके, तो राइट आंसर इसका लोअर इंसाइजर। ओके, फर्स्ट जो टीथ है वो है लोअर इंसाइजर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वल्वा इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वल्वा किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं, इसका राइट आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, क्लाइटोरियस, वेस्टिब्यूल्स एंड फोरचेट। ओके, इन तीनों से मिलकर वल्वा का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्लाइटोरियस, वेस्टिब्यूल्स एंड फोरचेट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पिंक पफर इज द टर्म यूज फॉर, जो पिंक पफर है वो टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन है पेशेंट ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पेशेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, पेशेंट ऑफ एम्फाइजेमा एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का पेशेंट। तो अगर राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेशेंट ऑफ एम्फाइजेमा। ओके, उसमें टर्म यूज किया जाता है पिंक पफर। ओके, पिंक पफर, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, ल्यूकोरिया विल इंक्रीज इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ल्यूकोरिया प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, SPL एंड रिलैक्सिन। तो राइट आंसर है इसका एस्ट्रोजन्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जिसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है। ओके, तो वो ड्रग्स कौन सी है, ऑप्शन है चार, लेबेटालोल, ACE इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स एंड निफेडिपिन। तो राइट आंसर्स की अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ACE इनहिबिटर्स। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बेस्ट पैरामीटर्स टू असेस द गेस्टेशनल एज ऑफ फिटस एज, फिटस की गेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट पैरामीटर्स कौन सा होता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें अगर राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्राउन, रंप, लेंथ। ओके, CRL। ओके, तो ये बेस्ट पैरामीटर्स है गेस्टेशनल एज ज्ञात करने के लिए फिटस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो ऑप्शन ए 9 से 90 डेज, ऑप्शन बी 9 से 18 डेज, ऑप्शन सी 80 से 90 दिन और ऑप्शन डी 10 दिन। ओके, तो इसका अगर राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 से 90 दिन। ओके, ये सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इन चिल्ड्रन इज, तो चिल्ड्रन के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, ऑप्शन चार है, एनल फीसर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड प्रोफ्यूज डायरिया। ओके, तो राइट आंसर्स की अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोफ्यूज डायरिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ए चाइल्ड हैड रिपीटेड वॉमिटिंग एंड डेवलप्ड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन दिस कंडीशंस इज, एक चाइल्ड है रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है और तो उसमें डेवलपमेंट होता है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाता है, तो इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है इस कंडीशंस का, तो ऑप्शन है फर्स्ट ORS, सेकंड
आईवी नॉर्मल सेलाइन एंड थर्ड रिंगर लैक्टेट एंड लास्ट इज आईवी नॉर्मल सेलाइन प्लस पोटेशियम। ओके, तो इसके बारे में राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन ओनली आपके लिए है। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 25 आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ टर्नर साइन। तो टर्नर साइन की करेक्ट डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई करना है। चार ऑप्शन है जिसमें से अगर राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्लूइश डिस्कलरेशंस ऑफ फ्लैंक एरिया। ओके, ब्लूइश डिस्कलरेशंस ऑफ द फ्लैंक एरिया, दैट इज टर्नर साइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अनचेक्ड रैपिड रेज इन डायस्टोलिक बीपी अबव 110 टू 120 mm ऑफ HG। तो इसको किस टर्म्स के नाम से जाना जाता है? मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो अगर राइट आंसर्स की बात करें तो ऑप्शन ए मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन इसका राइट आंसर है 27। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन है एपिस्टेक्सिस, प्लम्पिज्म, प्लम्बर विजन सिंड्रोम, विंसन सिंड्रोम, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। तो राइट आंसर है इसका प्लम्पिज्म। ओके, लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज प्लम्पिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम्स एंड डेप्थ। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ को किस टर्म्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यूफोरिया, एपनिया, ब्रेडिपनिया एंड टेकीपनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूपनिया। ओके, यूपनिया इसका राइट आंसर है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। एपनिया की अगर बात करें तो एपनिया होता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशंस। ओके, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशंस। ब्रेडिपनिया होता है यदि रेस्पिरेशन रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाए। ओके, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। टेकीपनिया होता है यदि रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट से इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलेगा टेकीपनिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन चार है इंसुलिन विथ ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन विथ ग्लूकोज। ओके, अब इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो इंसुलिन है वो क्या करता है? हाइपोकैलेमिया। इंसुलिन की वजह से क्या होता है? हाइपोकैलेमिया। ओके, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जो बाहर जो सेल्स के बाहर जो ब्लड है उसमें जो बाहर ग्लूकोज है उसको इंसुलिन सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। तो इंसुलिन देंगे तो इसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ग्लूकोज भी इसके साथ में दिया जाता है। तो ये हो गए टॉप 30 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।